देखो, चार नंबर का क्वेश्चन है, बट विल इट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस? अगर सही फंडा लगाओ तो चलो, अब सब लोग आ चुके हैं, स्टिल समबडी इज लेफ्ट। सर, इससे पहले कितना क्वेश्चन करा है? बस 2 क्वेश्चन करवाए हैं सर, वो रिकॉर्डिंग में डाल दीजिएगा ना। एक तो डलाएगा, एक हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। अच्छा ठीक है सर, वो ले लेंगे। एक हम सर, भूल गए थे। स्ट्रेट लाइंस बताएंगे, मतलब ज्योमेट्री इसका। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करवाएंगे, और एक पहले आप थ्योरी थोड़ा पढ़ा देते हैं। आ गए वो सब लोग? ओके, शुड आई रब दिस वन? यस सर। ओके, देखो स्ट्रेट लाइन जैसे तुम पढ़े हो लगभग वही कहानी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस इसमें होता है। ठीक है, स्लाइट अमाउंट ऑफ चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं। इससे पहले कि मैं प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन शुरू करूं, पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये मान लो ओरिजिन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। ओके, देखो से दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहां पे अगर मैंने देखो इन दोनों को ज्वाइन किया, तो द सिंपलेस्ट फिगर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी वो क्या बनता है, लाइन बनता है कि नहीं? देखो ये तुम्हारा वेक्टर्स है, यस सर, OA, OA एंड OB, यस सर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन? अब अगर मान लो मैंने यहां पे कोई भी पॉइंट Z लिया, ठीक है, पहले ये समझ लो, तो उसके बाद हम इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नोटेशंस लाएंगे। अब ये देखो, तो दिस इज माय वेक्टर OZ, यस और नो? ये सपोज करो कोई भी वेरिएबल पॉइंट R है, ऑलराइट? तो अब सर हैंग कर गया सर, आपका वीडियो फ्रीज हो गया सर, हैंग कर गया आपका। पार्किलो का भी हैंग क्या हुआ है, मतलब इधर दिखा रहा है। हाँ सर का हैंग किया है। सर को कॉल आ गया है। सबको मैंने कोड भेजा था ना बच्चे, सबका लॉगिन आईडी? यस। नहीं अभी तुम्हारे क्लास की सोनाली फोन की थी कि अभी नहीं, पिछले दिन तो जबकि वो क्लास की थी। अब यहां देखो, ए आर वेक्टर विल बी, इन फैक्ट इट इज कोलिनियर विथ ए बी वेक्टर, यस और नो? ए बी आर कोलिनियर, ऐसा कहेंगे? यस सर। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो बताओ, ए आर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए बी, ऐसा कह सकते हैं? नहीं बोलो? यस सर। अब ए आर अगर लैम्डा टाइम्स ए बी है, अब बताओ ए आर वेक्टर को क्या लिखोगे, जेड माइनस जेड वन? क्या फाइनल माइनस इनिशियल? यस सर। और लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा लिखोगे? तो देखो जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? yes, और जेड इक्वल टू, देखो
1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ z1 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2, देखो ऐसा लिख सकते हो सर? बोल लो सर, ये क्या लिखे वहां पर? कहां पे क्या लिखे हैं बोलो? लीनियर के नीचे से हैं? नहीं समझ में आया क्या लिखे हैं? कोलिनियर के, कोलिनियर के नीचे लिखे हैं ar is equal to lambda times ab. देखो दो वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वन, ऐसा लिख सकते हो ना? यस सर, डायरेक्शन से मतलब वही चीज, क्यों डायरेक्शन उल्टा भी होगा? तुम लोग बड़ा कंफ्यूज प्राणी है. मान लो ये वेक्टर i है इधर, अब बताओ इसी डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर 5y लिखते हैं तो क्या ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है? वो कह रहे हैं सर, मतलब लीनियर ही कहने का मतलब था डायरेक्शन से. अगर मान लो माइनस टू आई इधर एक वेक्टर है तो क्या, देखो ये वेक्टर जो है ये ओरिजिन है तो ये वाला माइनस टू टाइम्स दिस वेक्टर नहीं है? तो कोलिनियर होने पे एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं? हाँ मतलब डायरेक्शन से मतलब वही था सर, एक ही लाइन में. ठीक है, देखो ये समझ में आया कि नहीं अभी भी? तो सबसे पहला चीज जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा लिखो. लिखो इफ z1 एंड z2 आर टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ z1 एंड z2 आर टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फॉर अ स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, and for a scalar quantity lambda z equals to, ye likho 1 minus lambda times z1 plus lambda z2, then the locus of z, then the locus of z is the line joining z1 z2. Locus of z is the line joining z1 and z2. ठीक है, अब यहां पे तीनों केसेस समझो. देखो लैम्डा अगर ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन हुआ, यानी लैम्डा एक फ्रैक्शन है. अब यहां से एनालाइज करो. देखो ए आर अगर मैं लिखता हूं हाफ ऑफ ए बी, यानी इसके बीच में है जेड. अगर मैंने लिखा ए आर इज थ्री फोर्थ ऑफ ए बी, यानी यहां पे कहीं पे जेड होगा, करेक्ट? अगर मैंने लिखा ए आर इज वन बाई टेन टाइम्स ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है? ये यहां पे होगा, यानी जेड का लोकेशन एक्चुअली कहां होगा? देखो ये अगर तुम्हारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन जेड टू है, तो देखो जेड वन यहां पे है और जेड टू यहां पे है, तो जेड का लोकस देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जेड वन जेड टू, लेकिन सिर्फ यही हिस्सा होगा कि नहीं? हाँ विद इन, करेक्ट. क्या इसके बाहर जा सकता है? उसके ना तो z इधर होगा ना z इधर होगा, अगर लैम्डा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो. क्या ये कह सकते हैं? अब यहां बताओ यहां कंडीशंस ये क्या फुलफिल करेगा? देखो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, ये पहला बात ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा टाइप का बताया मैं सर. एक दूसरा बताओ, देखो ये लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस मच. दूसरा देखो ध्यान से, ये आर्गुमेंट देखो, डायरेक्शन को देखो. देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z, That will be equal to argument of z2 minus z1. क्या ये कहा जा सकता है? देखो yes, क्यों? देखो सबका direction same रखा मैंने, yes, सारे segments का. अब दूसरा aspect देखो, lambda अगर 1 से बड़ा है, if lambda is greater than 1, suppose ar is 2 times of ab, तो बताओ r यहां पे कहीं पे होना चाहिए, तभी ना ये ab का double होगा, हाँ है ना? तो इसका लोकेशन कहां होना चाहिए बताओ?
The location of Z in this case will be like this. देखो Z1, Z2. अब ये यहां से आगे Z कहीं पे भी हो ये होल्ड करेगा. देखो अब ये रे हो गया. यस सर. देखो यहां पे कहीं पे भी Z हो सकता है. तो देखो अब ये एक रे हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम Z2 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Z1, Z2, बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. अगर लैम्डा वन से बड़ा है तो अब यहां पे बताओ मॉड्यूलस ऑफ, ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन, राइट, ये पूरा डिस्टेंस ये कितना होता है. मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू और प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू, देखो क्या ये सेटिस्फाई करता है. यस सर. आया ना. दूसरा बात देखो आर्ग्यूमेंट के लिए सर, बहुत रुक रुक के आ रहा है आपका, तुम्हारा फिर कुछ समस्या बच्चा, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी लोग का सब ठीक है ना. ओके. तो आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ऑफ जेड टू. देखो डायरेक्शन देखो एंड दैट विल बी द सेम एज आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ऑफ जेड वन. ध्यान से देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है. देखो यहाँ z माइनस जेड वन है, यहाँ z2 माइनस z है. देखो जस्ट दोनों में एक माइनस का डिफरेंस है. अब देखो तीसरा केस, थर्ड में अगर मैंने लैम्डा को नेगेटिव लिया, अब ar इज माइनस टू टाइम्स ab, कब हो सकता है बताओ, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया z1 यानी z. तो अब ये कुछ इस तरह का होना चाहिए. देखो ये अगर Z1 है तो इधर कहीं पे मेरा Z होना चाहिए, करेक्ट, और यहां तुम्हारा Z2 है, बाकी ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो. देखो तो कुछ ऐसा लोकस होना चाहिए. हाँ ये ना. यस सर. अब ये क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, दिस सेगमेंट प्लस दिस सेगमेंट, करेक्ट, यानी z माइनस ऑफ सॉरी z1 माइनस ऑफ z2. नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ऑफ z2. अब अगर डायरेक्शन की बात करो तो मैं उल्टा कर देता हूं सपोज, या ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो. तो सपोज मैंने उल्टा किया तो देखो ये डायरेक्शन की तरफ आओ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 is equal to argument of z1 minus z2. यहाँ पे होता है कि नहीं? देखो बाकी जगह argument of z2 minus z1 लिखा था, ठीक है? तो ये तीनों के specifically याद रखो, ये सबसे पहला observation, ठीक है? Yes sir. लिख लिए बच्चे? आर्ग्यूमेंट देखो अगर इधर से तुम डायरेक्शन जब तक सेम हो, आर्ग्यूमेंट डायरेक्शन में देता है. तो मैंने डायरेक्शन इधर रखा तो वेक्टर क्या हुआ, जेड माइनस जेड वन. अब इस वेक्टर का डायरेक्शन देखो, सेम डायरेक्शन रखो, z माइनस z2 का सेम डायरेक्शन है. यस सर. z1 माइनस z2 का भी डायरेक्शन देखो इसी तरफ ना है. yes, sir. तो तीनों का डायरेक्शन सेम है तो आर्ग्यूमेंट सेम होगा. yes, sir. समझ में आया? आर्ग्यूमेंट से डायरेक्शन पता चलता है. ओके okay? Okay, is this over? Yes, sir. Yes, sir.
अब बताओ अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दोस थ्री पॉइंट्स विल बी हाउ मच? जीरो. जीरो. देखो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, इस पे भी इनफैक्ट एक दो बार डायरेक्ट जो एडवांस में क्वेश्चन आया डायरेक्ट जैसे ये केस पे पूछा था, कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, ठीक है? मतलब कुछ नहीं, तुमको जो समझाया ना खाली वो अगर समझ गए हो तो देख के आंसर टिक कर दोगे. अब यहां देखो, तो ये तीनों पॉइंट्स से एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, क्या हम ये लिखेंगे? ध्यान से देखो, देखो क्या ये जीरो लिखेंगे? जीरो. यस सर. या हम कह सकते हैं कि टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन मैंने यूज किया, जेड इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू, करेक्ट? अब इसमें कॉलम ऑपरेशन करो, तो देखो सी वन को हम लिख रहे हैं सी वन प्लस आई टाइम्स सी टू, और सी टू को लिख रहे हैं सी वन माइनस आई टाइम्स सी टू. तो बताओ ये होगा एक्स प्लस आई वाई, यहां होगा एक्स माइनस आई वाई, और इसको मैंने कुछ नहीं किया. देखो x1 प्लस i टाइम्स ऑफ y1, x1 माइनस i टाइम्स ऑफ y1, 1, x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y2, x2 माइनस i टाइम्स ऑफ y2, और 1 इक्वल टू 0. देखो क्या ये लिख सकते हो? देखो हाँ है ना. अब बताओ ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये है z बार, ये हो गया 1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z1 बार, z1 बार 1, z2, z2, z1, z2 बार 1. देखो दिस इक्वल टू 0. देखो क्या हम कहेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये पहला स्ट्रक्चर है. यस सर. अच्छा राइट साइड मिटा दें बच्चे. हाँ सर. अब इसको डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे बताओ, z इनटू z1 बार माइनस ऑफ z2 बार माइनस ऑफ z बार इनटू z1 माइनस ऑफ z2 प्लस z1 इनटू z2 बार माइनस z1 बार इनटू z2 इक्वल टू 0. देखो ऐसा लिख सकते हो? हाँ है ना. यस सर. अब मैं प्रैक्टिकली जब तक नंबर नहीं लूंगा तुम्हें समझ में आएगा नहीं. देखो इसको राइट में ले जाओ और ये टर्म से डिवाइड करो, तो z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z2 होल बार इनटू z बार प्लस z1 बार इनटू z2 माइनस z1 इनटू z2 बार डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट. देखो ध्यान से ये इस फॉर्म में है कि नहीं, को रिसेंबल करता है? Yes, sir. देखो y की जगह z है, x की जगह z बार है, m की जगह देखो ये पूरा क्वांटिटी है और बाकी यहां पे. अब यहां ध्यान से देखो. Yes, ये जो टर्म आता है दिस टर्म z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z2 का होल बार, नाउ दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप, ओके, ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, z1 एंड z2, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है? और ये कन्वेंशन यूज करोगे y की जगह z, x की जगह z बार, स्लोप की जगह कॉम्प्लेक्स स्लोप. ये पहला बात समझ में आया? यस सर. अब देखो जब ये सारे टर्म्स को अरेंज करोगे, ये सारे टर्म्स को जब अरेंज करोगे तो इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, a बार z प्लस a z बार और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा. हम अभी करके दिखाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं. अब यहां बताओ, यहां से देख के बताओ, यहां और यहां कंपेयर करो.
तो ये अगर मैं ये कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और यहां से स्लोप क्या हुआ बोलो? देखो स्लोप माइनस ऑफ ए बाय ए बार, ए बार। तो कभी भी और सी याद रखो यहां पे प्योरली रियल नंबर होगा। हम निकाल के दिखा रहे हैं देखो। अच्छा पहले ये लेफ्ट वाला पार्ट मिटाएं। हाँ ना कुछ तो बोलो। यस एक्चुअली जब तुमको क्वेश्चन देगा ना इस फॉर्म में तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहां ध्यान से देखना, मैं जब तक नंबर के साथ नहीं दिखा रहा था तुम्हें कंफ्यूजन है, अब मैं नंबर ले लेता हूं। तो मान लो मैंने यहां पे लिया से 1+2i, ओके सपोज z1 लिया 1+2i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सपोज इसको यहां बनाते हैं रुको z1 को और यहां मान लो z2 बनाया, ये z1 हो गया तुम्हारा 1+2i, ये सपोज हो गया 2+3i, करेक्ट। I want to find the equation of the line joining these two. हाँ मैंने सिंपल क्यों लिया है ताकि तुम्हें दिखे, ये देखो ये लाइन का स्लोप क्या हुआ 1, यानी ये लाइन 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे यही ना चाहिए, तो अब यहां पे लिखो z1 एंड बार कितना हुआ तुम्हारा 1-2i, z2 बार कितना हुआ देखो 2-3i, 2-3i, यस सर। यूज द फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो z इनटू z1 बार माइनस z2 बार कितना हुआ देखो दिस माइनस दिस इज हाउ मच, अरे -1+i, इतना क्या सोच रहे हो? अब देखो z1 माइनस z2 कितना हुआ -1-i, देखो ये हुआ। अब मल्टीप्लाई करने के बारे तो देखो ये प्योरली इमेजिनरी आएगा अभी, क्यों यहां माइनस हम एडजस्ट नहीं किए, तो मल्टीप्लाई कर लो देखो z1 इनटू z2 बार माइनस ऑफ z1 बार इनटू z2, देखो व्हाट विल इट बी इक्वल टू z1 ये रहा 1+i 2i, z2 बार इज 2-3i, माइनस ऑफ z1 बार यानी 1-2i इंटू 2+3i। अब जरा मल्टीप्लाई करो देखो ये हो गया तुम्हारा 2+6 दैट इज 8 और ये 4i-3i यानी प्लस i माइनस, ये हो गया 2 और 6 ये हो गया 8 और ये 3i-4i यानी माइनस i। देखो क्या ये 2i आता है? यस सर। अब इसको i से डिवाइड कर लो तो देखो z ये -1/i+1 ये माइनस को भी अंदर ले जाओ तो ये हो गया 1+i/i और प्लस 2 इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ये कितना हुआ -1/i is +i तो 1+i into z। अब देखो ये आ गया 1/i-i into z bar और प्लस 2 इक्वल टू 0, देखो क्या ये इस फॉर्म में आया? देखो ध्यान से देखो z bar के आगे ये अगर a है तो क्या ये a bar है कि नहीं है? यस सर। देखो ये एक प्योरली रियल नंबर है, यानी जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये जनरल फॉर्म आएगा, ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। अब बताओ इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है? देखो दोनों तरीके से तुम निकाल सकते हो, चाहे तो इससे निकालो या उससे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी -1/i तो -1-i/1+i आता है, करेक्ट। सिंप्लीफाई करो
वन माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये वन माइनस आई का होल स्क्वायर बाई टू आएगा, तो क्या ये आई आता है? यस सर। अब ये मत सोचना कि आई का आर्ग्यूमेंट इसका ये है, नो, वो चीज मत अज्यूम कर लेना। हाँ, मैं क्यों दिखा रहा हूं उसका कारण। अब एक दूसरा, इनफैक्ट तुम पॉइंट लो, सेट ऑफ पॉइंट्स लो। सपोज मैंने यहां पे लिया Z3, और Z3 मैंने लिया 2 प्लस I टाइम्स 0, ठीक है, और Z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सपोज यहां पे, और Z4 मैंने लिखा सपोज 3 प्लस I। अब बताओ इसका स्लोप Z3 Z4 का Z1 Z2 का स्लोप सेम है? सेम, यस सर। रिलेशन क्या होता है वो देखो, और यहां पे एक और पॉइंट ले लो, दैट इज 0 प्लस 2i, ठीक है, और ये मान लो Z5 है। देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, अब जरा स्लोप निकालो देखो इसका, तो देखो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हाउ मच, कॉम्प्लेक्स स्लोप का बात कर रहा हूं, देखो दिस माइनस दिस यानी कितना हुआ 1 प्लस i डिवाइडेड बाय इसका कॉन्जुगेट माइनस इसका कॉन्जुगेट, बोलो। अरे वन माइनस आई, देखो ये ना आता है, क्या नहीं समझे? देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप मैंने क्या लिखा है, जेड वन माइनस जेड टू बाय जेड वन बार माइनस जेड टू बार, ये ना कॉम्प्लेक्स स्लोप है, अगर दो पॉइंट दिया तो। हाँ है ना, कहा नहीं समझ में आया बोलो। समझ गया, चलो ये सब मिटा दे, ये एक्चुअली बहुत क्लमजी है। देखो इससे मैं ये समझाना चाहता था कि लाइन का इक्वेशन निकालोगे कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ये पता चल गया। ओके हाँ, अब देखो अब वही पॉइंट्स मैं रखता हूं, नाम दे देता हूं, देखो ए बी सी डी, ठीक है, ई ओके। अब बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना है? देखो क्या लिखोगे, जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू बार माइनस जेड वन बार, कॉम्प्लेक्स स्लोप का डेफिनेशन से हम ये लिखेंगे। यस सर। अब बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना हुआ, दिस माइनस दिस इज हाउ मच, वन प्लस आई, वन प्लस आई बाय वन माइनस आई, राइट। अब बताओ स्लोप ऑफ सी डी कितना है? देखो थ्री प्लस आई, इनफैक्ट जेड फोर माइनस ऑफ जेड थ्री बाई जेड फोर माइनस जेड थ्री का होल बार, कह सकते हैं इंडिविजुअल बार करो या होल बार करो, बाई वन माइनस आई, राइट। अब बताओ स्लोप ऑफ ए ई कितना है? देखो जेड फाइव माइनस ऑफ जेड वन डिवाइडेड बाय जेड फाइव माइनस जेड वन का होल बार, तो देखो जीरो प्लस टू आई माइनस वन प्लस टू आई कितना हुआ, ये थ्री आई कर लो, सॉरी तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, बोलो। देखो थ्री आई माइनस टू आई दैट इज हाउ मच आई, और ये हो गया देखो माइनस वन प्लस आई डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस आई, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये वन माइनस आई बाय वन प्लस आई होता है। हाँ या ना? यस सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जरा ध्यान दो, ये दोनों इक्वल है yes, कि नहीं है? अब ये दोनों अगर इक्वल है तो एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मैंने L1 एक लाइन लिया सपोज ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन एल वन इज माइनस ऑफ ए बाय ए बार, ये कहेंगे। देखो दूसरा लाइन एल टू अगर है बी बार जेड प्लस बी जेड बार, ठीक है, और प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस ऑफ बी बाय बी बार। ओके यस सर। देखो लाइन, देखो L1 इज पैरेलल टू L2 इफ
माइनस ऑफ ए बाई ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई बी बार, यानी क्या हम ये कहेंगे कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी होल बार, ये कह सकते हो? यस सर। कि नहीं? ये पहला स्टेप में। अब दूसरा स्टेप, जरा एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। इनफैक्ट मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, देखो वन प्लस आई का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, आई आएगा कि नहीं? यस सर। इसको मल्टीप्लाई करो वन माइनस आई से ऊपर नीचे तो ये माइनस आई आएगा। अब जरा दोनों को ऐड करो कितना आया, जीरो। तो देखो ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन यहां पे देखो स्लोप्स का सम जीरो है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइंस परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कहेंगे, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इफ ए बाई ए बार प्लस बी बाई बी बार इज इक्वल टू जीरो। देखो ऐसा कहेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि देखो a बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई बी का होल बार, ये कहा जा सकता है। देखो ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में घुसा पहले, हाँ सर लिखो पहले इसको। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, देखो a बार z प्लस ए जेड बार प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है ये जनरल फॉर्म हो गया। c क्या है, रियल नंबर, स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ऑफ a बाई a बार, करेक्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। अब लाइंस पैरेलल कब होता है, जब कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल है, और परपेंडिकुलर कब होता है, सम जीरो, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज जीरो, करेक्ट? यस सर। शुड आई रब दिस वन? ये तो मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर तुमको समझाया कि कैसे ये आता है, काम का कंक्लूजन इधर है। अब जैसे देखो ये लाइन भी तुम्हारा कट करेगा, ऑब्वियस है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा ना बच्चे, ये मान लो रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर लाइन ऐसे कट किया, सपोज ये लाइन है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस सी इक्वल टू सी, तो हाउ डू आई सॉल्व दिस पॉइंट? तो अब यहां देखो रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होता है, रियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कॉन्जुगेट भी जीरो होगा, सॉरी उसका और उसका कॉन्जुगेट बराबर है, सेम। तो ये पॉइंट ए है और ये मान लो बी है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, तो फॉर ए जेड इज इक्वल टू जेड बार होता है, हाँ या ना? यस सर। अब इस इक्वेशन में जेड बार की जगह पे जेड पुट कर दो तो यहां हो जाएगा ए जेड प्लस ए बार जेड और प्लस सी जीरो है, यानी z इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस a बार, करेक्ट? यानी ये जो रियल एक्सिस पे कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देखो ये होगा, हाँ है ना? Yes, अब बताओ फॉर द पॉइंट b व्हाट विल आई गेट, z बार इज इक्वल टू माइनस z क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी, yes, तो इस लाइन का इक्वेशन में माइनस ऑफ ए जेड प्लस ए बार जेड और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखेंगे, इसको राइट में ले जाओ। यस सर। तो जेड क्या आया, सी बाय ए माइनस ए बार आता है कि नहीं? तो ये पॉइंट पे कट करेगा, देखो सी बाय ए माइनस ए बार, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ योर लाइन विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी एक्सिस। देखो ये पहले समझ में, हाँ सर। रुको इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, पहले बस इसी का यूज के लिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, रेडी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐसे ही बक बक कर रहा हूँ? हाँ सर आता है सर।
बोलो, तुम्हारा माइक से नॉइस बहुत आ रहा है। खराब हो गया माइक सर। माइक खराब हो गया, उसको ठीक कर लो। उसमें कौन सा तेरा बहुत हाई फाई थियोरी है रे? ना पड़ जाएगा तो सब माइक लेके। अरे एक सोल्डरिंग आयरन खरीद के रखा कर ये सब काम के लिए। सर का बता दीजिए क्या बोल रहे हो? ये कोऑर्डिनेट्स वाला से कॉल क्यों? ए इक्वल, देखो ए पॉइंट रियल एक्सिस पे है, तो बताओ रियल ए नंबर का कॉन्जुगेट सेम होता है कि नहीं? तो जेड इक्वल टू जेड बार यहां पे होगा, वही चीज मैंने लिखा है। तो जब इस लाइन को, ये लाइन कब कट किया रियल एक्सिस को, तो उसमें जेड बार की जगह देख जेड पुट कर दिया। जेड ही ना सॉल्व करना, जेड कॉमन ले जा, ए प्लस ए बार इक्वल टू माइनस सी, डिवाइड कर दिया। इमेजिनरी एक्सिस के लिए जेड बार क्या होता है? माइनस जेड होता है। तो अब यहां देख इस इक्वेशन में माइनस जेड कर दिया, अब इसको राइट में ले जाओ तो जेड निकाल लो, जेड ये आता है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो देखो रियल एक्सिस को यहां कट करेगा और इमेजिनरी एक्सिस को यहां करेगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं बच्चे? यस सर। ओके, मिटा दें? यस सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये बस जो दो तीन रिलेशन बताए उसी का यूज पहले मैं लेता हूं, ठीक है? लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जेड वन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जेड वन एंड परपेंडिकुलर टू ओ जेड वन। ओके, तो अब यहां ध्यान से देखो, अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात करो, देखो ये ओरिजिन ओ है, ये जेड वन पॉइंट है, तो मुझे ये वाला लाइन चाहिए। ये देखो इसका परपेंडिकुलर, देखो ये वाला लाइन का जरूरत है मुझे, ठीक है? कैसे निकालेंगे? देखो मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही निकालना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया। तो सबसे पहले बताओ ओ जेड वन का स्लोप कितना है? बोलो जेड वन माइनस जीरो बाई जेड वन बार माइनस जीरो, यानी जेड वन बाई जेड वन बार, देखो यही ना हुआ? यस। तो ये अगर मेरा लाइन है तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी हाउ मच? जस्ट माइनस ऑफ दिस, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप मैं क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम जीरो है। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये ना कहा कि वाई की जगह जेड यूज करोगे, एक्स की जगह जेड बार यूज करोगे और स्लोप की जगह कॉम्प्लेक्स स्लोप यूज करोगे, राइट? अब वन पॉइंट फॉर्मूला ऑफ अ लाइन क्या है? वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन बोलो। अरे चुप क्या हो गया? वन पॉइंट फॉर्म वो होता है, शायद ये होता है बच्चा mx minus x। तो अब देखो y की जगह z, यानी z minus z1, देखो m की जगह मैं पुट करूंगा माइनस ऑफ z1 by z1 बार into z बार minus z1 बार। देखो समझ में आया कितना सिंपल है? यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो z1 बार into z minus z1 z1 बार is minus of z1 into z bar or plus z1 z1 bar, ऐसा लिखेंगे। सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ तो देखो z1 into z bar plus z1 bar into z minus 2 times of या equal to 2 times mod z1 square, देखो क्या ये लिखेंगे?
तो देखो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. सर ये x की जगह वो x क्यों कर, क्यों अभी मैंने निकालते वक्त दिखाया था. देखो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं बस और कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो कि ये कोई फॉर्मूला है. देखो y इन जो हम वन पॉइंट स्लो फॉर्म है या y इक्वल टू mx प्लस c वैसे जो लिखते हैं तो उसमें जनरली क्या स्ट्रक्चर में आया. देखो y की जगह z था, x की जगह क्या टर्म था z बार था और स्लोप की जगह कॉम्प्लेक्स स्लोप था. तो ये एनालॉजी ड्रॉ करके भी तुम फटाफट निकाल सकते हो. ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखो. दिस वाज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन इन जे एडवांस. रेडी? यस सर. बोलो बोलो बच्चे. मैंने कहा जेड इक्वल टू क्या बोलो तो आधा बोल के रुक जाओगे तो कैसे हम समझेंगे. बोलो सर. बोल रहे सर ये z इक्वल टू z1 माइनस 2 पिछला वाले में लिखवाया था ना पॉइंट फॉर्म में z इक्वल टू मतलब इक्वेशन क्या बोल रहे हो नहीं पता चल रहा है सर. बोल रहे हैं कि पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन पिछली बार लिखवाया था मतलब जस्ट पीछे अभी पॉइंट फॉर्म में ये लिखवाए थे ये देखो यहाँ पे. हाँ हाँ वो लिखवाए थे लेकिन उसके लिए दो पॉइंट ना चाहिए. यहाँ तो एक ही पॉइंट है ये क्यों भूल जा रहे हो. क्या यहाँ दो पॉइंट अवेलेबल है? नहीं सर. एक तो स्लोप से रिलेटेड डेटा है तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. जब एक पॉइंट और स्लोप दिया है तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज करेंगे कि टू पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. बोलो समझ में. और उसी में ये एनालॉजी ड्रॉ करोगे. ये सब मैं कंफ्यूजन में क्यों पढ़ते हो. इतना सिंपल तो चीज है यार. अब लिखो ये क्वेश्चन लिखो. लेट बी बार जेड प्लस बी जेड बार इक्वल टू सी बी अ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है. If Z1 is the reflection of a point Z2, if Z1 is the reflection of the point Z2 about this line, then prove that C is equal to Z1 bar into B plus Z2 into B bar. ये जो C है इसका value इतना होगा. प्रूव करने दिया यहां पे. सब्जेक्टिव क्वेश्चन था. अब यहां ध्यान दो. यहां ये मेरा लाइन है. देखो b बार इंटू z प्लस बी जेड बार माइनस सी इक्वल टू जीरो ये कहेंगे लाइन मेरा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन टेल मी. क्या ये स्लोप है इस लाइन का? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो. अब बताओ Z1 का रिफ्लेक्शन. देखो Z2 का रिफ्लेक्शन Z1 है तो देखो ये ऐसा डायग्राम बनेगा. अब यहां से देखो इस लाइन का ये सपोज AB है तो स्लोप ऑफ AB इज हाउ मच. Z1 माइनस ऑफ Z2 बाय Z1 बार माइनस ऑफ Z2 बार. क्या ये होगा? यस सर. अब ये बताओ ये पॉइंट P है सपोज तो P पॉइंट इज Z1 प्लस Z2 होल डिवाइडेड बाय 2 और ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है. यस सर. तो ये वाला इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो देखो B बार इंटू Z1 प्लस Z2 बाय 2 प्लस B इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू C ऐसा लिखेंगे. Yes, ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन है. अब देखो ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल तो देखो दिस स्लोप प्लस दिस स्लोप विल बी जीरो. यस सुनो
तो जेड वन माइनस जेड टू बाय जेड वन बार माइनस ऑफ जेड टू बार माइनस ऑफ बी बाय बी बार इज इक्वल टू जीरो, ऐसा है? हाँ है ना? यस सर। अब यहां ध्यान से देखो, मैं इसी में एलसीएम ले रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो देखो b बार इंटू जेड वन माइनस ऑफ b बार इंटू जेड टू माइनस ऑफ b जेड वन बार और प्लस b जेड टू बार इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से b बार इंटू जेड वन प्लस b जेड टू बार इज इक्वल टू b जेड वन बार प्लस b बार इंटू जेड टू। देखो ये आता है, ये मान लो इक्वेशन टू। देखो डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर, यस और नो? Yes, sir. अब वापस आओ इक्वेशन वन पे। देखो c का वैल्यू ध्यान से देखना, मुझे प्रूव करना है z1 बार और z2 है, z1 बार और z2 इसके टर्म्स में चाहिए, ठीक है? तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। देखो c इज इक्वल टू b बार इंटू z1 प्लस b बार इंटू z2 प्लस बी जेड वन बार प्लस बी जेड टू बार होल डिवाइडेड बाय टू। देखो ये ना है, अब इसमें से देखो बी बार जेड वन और बी जेड टू बार इसका वैल्यू देखो, दिस प्लस दिस इज दिस मच। तो क्या ये टू टाइम्स ऑफ बी बार इंटू जेड टू प्लस बी जेड वन बार डिवाइडेड बाय टू देखो होता है? फ्रॉम दिस इक्वेशन मैंने पुट किया, देखो जो प्रूव करने दिया था आ गया। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, वो भी जय एडवांस में पूछा था। जैसे ये एक फोर मार्क्स क्वेश्चन था, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से करते हैं तो देखो आसानी से दो तीन लाइन में सॉल्व हो जाता है। सर मतलब ये सब में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का नहीं लगाएंगे ना, जो सब रिफ्लेक्शन ये सब प्रॉपर्टी? नहीं बच्चे, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का लगाओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिखा रहा है। अब मान लो अगर कोई लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे ये एक लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और मैंने पूछा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो बेटा जेड वन से, तो क्या हम पहले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे? उतना देर में तो चार क्वेश्चन बना लेगा। देखो अगर तुम लोग को वाकई में कॉम्प्लेक्स लग रहा है चीज तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नो सर। हालांकि है कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? लिख लिए बच्चे लोग? यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखो लेट ए जेड वन बी जेड टू सी जेड थ्री the vertices of a triangle with circumcenter at origin. ये तुम लोग निकालोगे। Let A, B, C be vertices of a triangle with circumcenter at origin. The altitude through A meets the circumcircle of this triangle at P. Then find P. Question का meaning समझा दे रहा हूं, ये देखो ये मान लो तुम्हारा triangle है, ठीक है? यहां देखो ये हो गया A, B, C. अब देखो यहां से मैंने इसका altitude draw किया, ये P पे meet किया। देखो ये point Z1 है, ये पॉइंट Z2 है और ये पॉइंट Z3 है, तो तुमको ये P क्या होगा निकलना है।
ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. एक और सवाल दें, एक ही करोगे? चलो एक ही बनाओ पहला. आंसर बहुत सिंपल आएगा, ये बात याद रखो, आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. निकालो तुम ही लोग निकालो पहले. आया किसी का? Anybody? कोई आवाज नहीं आ रहा. सब सो गया क्या? सर पूरा ब्लर आ रहा मेरा. अब तुम्हारा बेटा नेटवर्क बहुत पुअर होगा, इसीलिए ये हालत है. बाकी सब लोग का तो आ रहा है? बच्चे लोग? यस सर पूरा क्लियर. यस सर. देखो बाकी सबका क्लियर आ रहा है, अक्षत तुम्हारा ही दिक्कत है. हाँ सर, मतलब तुम्हारा
मतलब तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क बदलने का जरूरत है? देखो ब्रॉडबैंड तो ब्रॉडबैंड भी तुम्हारा आउट रहता है ना कभी कभी, डेटा स्पीड स्लो रहता है। ये देखो ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो नेचुरली ये सेम सर्कल पे लाई कर रहा है। तो मान लो रेडियस ऑफ द सर्कल आर है, तो मॉड जेड वन इज इक्वल टू मॉड जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड जेड, और ये तुम्हारा आर है सपोजिंग रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सबका स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। तो Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू Z3 बार, इज इक्वल टू Z बार, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। तो यहां से बताओ Z1 बार क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाय Z1, Z2 बार क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाय Z2, करेक्ट, दिस इज आर स्क्वायर, ओके, एंड जेड बार विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय जेड। क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं? अब देखो ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो बीसी इज परपेंडिकुलर टू एपी, यानी स्लोप ऑफ एपी और प्लस स्लोप ऑफ बीसी विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? यस सर। अब इसको z अगर हम मान लेते हैं तो देखो z -z1 बाय z बार माइनस ऑफ z1 बार प्लस z2 माइनस ऑफ z3 डिवाइडेड बाय z2 बार माइनस ऑफ z3 बार विल बी इक्वल टू जीरो, यस और नो? देखो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब अगले लाइन में देखो z माइनस z1 डिवाइडेड बाय Z bar is equal to how much? R square by Z minus R square by Z1 bar plus Z2 minus Z3 divided by R square by Z2 minus of R square by Z3 equal to zero. ऐसा लिखोगे? Yes sir. देखो 1 by R square common लेके उड़ा दो। देखो Z1 bar minus Z, देखो यहाँ पे ये Z1 बार इंटू जेड इंटू जेड माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस ऑफ जेड प्लस Z2 इंटू Z3 और ये Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू जीरो आता है। देखो ये टर्म कट गया, एक माइनस छोड़ गया, तो माइनस ऑफ जेड नहीं बार क्यों होगा यहाँ पे, सॉरी यहां पे कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखो माइनस ऑफ Z1 माइनस ऑफ Z2 Z3 इज इक्वल टू जीरो, तो देखो Z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 इंटू Z3, सो Z इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 इंटू Z3 बाय Z1। तो देखो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। यस सर। देखो अगर कोऑर्डिनेट में भी ये सवाल पूछता ना तो ये कम से कम 2 पेज का हो जाता, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा से देखो किया कितना आसानी से आता है। समझ में आया बात? तो अभी भी कॉम्प्लेक्स स्लोप का यूज करना, लाइन का इक्वेशन लिखना, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर आया। यस सर। तो अगला फंडा बताएं। ऐसा क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने से कैसे पता चलेगा? बहुत गंदा लग रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? ये परपेंडिकुलर देखो दिख रहा है, ये देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है या पैरेलल दिख रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वेट करो, ठीक है, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। मिटाएं इसको बच्चे। सर आगे कंटिन्यू मत करें। यस सर। नहीं आगे आगे कंटिन्यू नहीं करें, मतलब सर बहुत ज्यादा अभी आप सॉल्यूशन लिखे हो भी नहीं पता चल रहा है।
लेकिन देखो बाकी बच्चा लोग का तो सब बोल रहा है, क्लियर आ रहा है। मेरा ही प्रॉब्लम, बाकी तो स्लो चलता, मतलब मेरे घर में ये ब्रॉडबैंड ही सबसे स्पीड से चलता है, इसी का नहीं पता क्या हुआ। एक बार मोबाइल डेटा से ट्राई कर लो, ठीक है? ठीक है, चलो विल कंटिन्यू टुमारो, और कल भी इसी पे करते हैं। सबके पास एमएस टीम्स का यूजर आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया है सर, गूगल लीजिए ना सर क्लास, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। आपको लगता है, देखो एक्चुअली ब्रॉडबैंड डाउन है इसीलिए ना हम इस पे कर रहे हैं, और इस पे देखो लो बैंडविड्थ पे चल भी गया, गूगल मीट तो खुलेगा भी नहीं इस पे। ठीक है सर। सर और बोलो, ये बोल रहे थे कि वो जो एक्सरसाइज है ना उसमें एडवांस का जो प्रॉब्लम सर बिल्कुल नहीं बनता है। तुम कैसे करते हो जो नहीं, हाँ कर रहे थे पहला भी नहीं, बता दीजिए ना क्या करे। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम नहीं, तुम कैसे ट्राई मार रहे हो ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। जो तुम्हारा पहला भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पढ़ो क्वेश्चन थोड़ा, अभी हमको ढूंढने में टाइम लगेगा। पढ़ रहे हैं सर, क्वेश्चन पढ़ो, ये लिख लिए हो सब लोग? यस सर। यस सर। इसके आगे का पार्ट कल बताएंगे, वो बोल रहा है थ्योरी नहीं पढ़ाने तो उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ। अब पढ़ो जल्दी, पढ़े सर। सर लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू And z is a point on the argand plane, so that z minus. अरे this equal to कितना? वो तो बोलो. One sir, one. One, हाँ आगे बोलो. और sir z is a point on a complex plane, so that z minus 2 divided by z is equal to iota of tan of argument of z. Is equal to? Iota times of tan of argument of z. नहीं ये क्या प्रूव करना है, अब तो आधा बोल के छोड़ देगा तो गड़बड़ा। हाँ सर। तो देखो z माइनस वन इक्वल टू वन अगर है तो z का लोकेशन कहाँ है बताओ? सर्कल में सर। सर्कल में, अब बताओ क्या मैं z माइनस वन को cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्यों, z माइनस वन का मॉड्यूलस वन है, करेक्ट? तो बताओ z को वन प्लस cos थीटा और प्लस i sin थीटा ऐसा लिखा जा सकता है? यस। अब बताओ इसमें से टू cos थीटा बाई टू कॉमन लिया तो यहां पे देखो cos थीटा बाई टू प्लस i टाइम्स sin थीटा बाई टू, देखो ये आएगा। yes. अब बताओ z के लिए आर्ग्यूमेंट कितना हुआ एक्चुअली? z के लिए थीटा बाई टू, करेक्ट? तो नाउ टेक z टू बी दिस मच, और अब ये प्रूव करो कि इट इज i टाइम्स tan ऑफ थीटा बाई टू, कर सकते हो कि नहीं? सर वो z माइनस टू डिवाइडेड बाई z है। हाँ तो ठीक है, लिखो ना, क्या दिक्कत है? तो z माइनस टू डिवाइडेड बाई z अगर लेते हो तो देखो ये कितना हुआ, वन प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस टू और डिवाइडेड बाय वन प्लस cos थीटा और प्लस i sin थीटा, देखो ये नहीं लिखोगे? yes. हाँ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई तुमको करना है तो देखो 1 minus 2 is minus 1 plus cos theta or plus i sin theta or divided by, देखो ये 2 cos theta by 2 और यहां से कितना हुआ,
ये हो गया तुम्हारा cos of theta by 2 plus I sin theta by 2, करेक्ट। अब बताओ इसको हम लिखेंगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कि नहीं? तो माइनस टू साइन थीटा बाई टू, राइट, कॉमन लिया तो बचेगा कितना बताओ? साइन थीटा बाई टू माइनस आई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई टू। अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वन हो गया और यहां पे आ जाएगा देखो cos theta by 2 minus i sin theta by 2। देखो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो दिस इज माइनस ऑफ tan theta by 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो cos theta by 2 sin theta by 2 माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर cos theta by 2 sin theta by 2 कट गया माइनस i cos स्क्वायर theta by 2 तो ये हो गया माइनस i। देखो ये i टाइम्स tan ऑफ थीटा बाय 2। अब देखो थीटा बाय 2 इज व्हाट? आर्गुमेंट ऑफ z, तो इट इज i टाइम्स tan ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। देखो प्रूव हो गया क्या? कुछ हाईफाई क्वेश्चन है सर वो हम मतलब बार-बार वो वेक्टर वेक्टर। अब देखो इतना सिंपल सा तो चीज है, यहीं से देखते ही तो पता चलता है कि ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स।